कि रिद्धि सिद्धि के दाता गौरी सुत गणेश भगवान की आराधना करते चले। अब कह दो सच्चे दरबार की, एक बार प्रेम से कह दो जय माता दी, होनी होने के लिए बनाई है, होनी होने के लिए बनाई है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जैसे जो जन्मा है अटल सत्य, उसे एक दिन जाना होगा, समय स्थान कारण निर्धारित है भैया, जो आया है उसे जाना होगा, लेकिन हानि को टालने के लिए जीव संत या गुरु की शरण में जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। ब्रह्मा जी को उस शक्ति ने बनाया और उनको सृष्टि रचना का कार्य भार सौंप दिया, विष्णु भगवान को बनाया, सृष्टि की रचना करते समय उन जीवों का पालनहार बना दिया, उनका रक्षक बना दिया। उसके बाद कालेश्वरनाथ शंकर भगवान को पैदा किया, उनको सिंहारकर्ता बनाया, लेकिन होनि को भी बनाया। ब्रह्मा जी घबरा गए, होनि को छीन सागर में विष्णु भगवान के पास में भेज दिया। लक्ष्मी माता घबरा गई है, कमल नैन मुझे इस होनि के प्रकोप से बचाओ प्रभु। कालेश्वरनाथ भगवान भोलेनाथ के पास में भेज दिया। शंकर भगवान समाधि में लीन है, अपने नेत्र नहीं खोले, होनी क्रोध में आ गई और तिल्लो की नाथ से न्यू कहने लगी। एक कालेश्वर नाथ भगवान भोले नाथ त्रिदेव, तुमने मेरा अपमान किया है, जिस शक्ति ने तुम्हें पैदा किया मुझे भी किया है, तुम मेरा क्या समय बताओगे? मैं तुम्हें अपना समय बताती हूँ, मेरा नाम है होनी और मेरे प्रकोप से तुम कालेश्वर नाथ भगवान भोले नाथ तुम भी नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपने पुत्र की हत्या का कारण बनोगे। इधर गौरा माँ अपने पति के इंतजार में नन्हे मुन्ने से अपने बालक को लेकर गोद में बैठी है, इंतजार कर रही है, मुझे स्नान करना है, लेकिन कैसे? खुले छत के आसमान के नीचे मैं कैसे स्नान करूं? कोई देवी देवता आ गया तो तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इस अवस्था में तुम्हें स्नान करते तुम्हारे पति परमेश्वर ने भी देख लिया तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उस बालक को गोद में लेकर के अपने तन से मैल उतार करके मिट्टी में मिश्रण किया और बच्चे के उस शरीर पर उबटन की तरह लगा दिया, अपनी शक्ति से उस नन्हे से बालक को बड़ा कर दिया, एक अजय सोटा दे दिया कि जाओ पुत्र इस गुफा के द्वार पर पहरी बन के खड़े हो जाओ, मेरा परिचय कराइए, माता तुम गौरा नंदन हो, कोई भी मेरी आज्ञा के बगैर इस द्वार से अंदर नहीं आने पाए, जैसी आज्ञा माता। शंकर भगवान की समाधि खुली और दरवाजे पर आए और नन्हे मुन्ने से बाल गोपाल को देखकर प्रसन्न हो गए, कहने लगे बालक बड़ा सुंदर बालक है, कितना बाल रूप में भगवान है, ए भैया थोड़ा रास्ता दे दो। क्यों? मुझे मेरे घर जाना है। बच्चे ने कहा ठहरो बाबा। क्यों? कि मेरे बाबा, मेरे बाबा ठहरो यहां, जाते कहां। अरे भैया अपने घर में जाने के लिए भी तुम्हें तुमसे हमें इजाजत लेनी होगी कि बाबा ठहरो। क्यों? कि मां मेरी, कि मां मेरी नहा रही, मां मेरी नहा रही, तकरार ना करो, इंतजार 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 करो, इंतजार इंतजार।
इंतजार इंतजार करो इंतजार करो। माँ मेरी ना रही, माँ मेरी ना रही, तकरार ना करो इंतजार 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 करो इंतजार करो इंतजार 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 करो इंतजार करो रे बाबा श्री राम ठोकता कौन है तू मुझे इस कदर ठोकता मेरे घर में मेरा रास्ता रोकता वो मेरे घर में मेरा रास्ता रोकता छोटा बा लग है तू नन्हा बा लग है तू पैदा चार ना करो इंतजार 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 करो इंतजार करो रे बाबा जय हो होनी होनी होके रे बनाई होनी होके रहे रे होनी बड़ी मस्तानी होनी बड़ी मस्तानी होनी होने को बनाई होनी होके रहे रे होनी होने को बनाई होनी होके रहे रे बालक नहीं जानता बाबा सब कुछ जानते हैं मगर हे बाबा सुनो बाबा मैं आपको नहीं पहचानता बाबा मैं आपको नहीं पहचानता माँ से पढ़कर किसी को भी नहीं मान माँ से बढ़कर किसी को भी नहीं मानता बाबा जिद आप ये बाबा जिद आप ये बार बार ना करो इंतजार 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 करो इंतजार करो इंतजार 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 करो इंतजार करो रे बाबा
क्रोध में आ गए। उन नन्हे मुन्ने बालक से कहने लगे, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मेरा मार्ग छोड़ दो पुत्र। नहीं, अब तो मैं जान गया हूं तुम मेरे पिता हो, फिर भी मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम जा सकते हो पिताश्री, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? बैठ जा बेटा, कथा में कोई डिस्टर्ब नहीं, बैठ जा भाई। तुम जा सकते हो, मगर मेरे धड़ से इस शीश को अलग कर दो या मुझसे युद्ध करो। कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र की हत्या करेगा? होने को टालने का यत्न कर रहे हैं कालेश्वर नाथ भगवान भोले। युद्ध को चुनौती स्वीकार कर लेते हैं गणेश, यानी बाप बेटे में युद्ध हो रहा है, गणेश और शंकर भगवान में युद्ध हो रहा है। गणेश की सहायता के लिए, गणेश की सहायता के लिए लक्ष्मी सरस्वती महाकाली तीनों देवियां आ गई। बच्चे का पलड़ा भारी हो गया। शंकर भगवान और ज्यादा क्रोधित हो गए, शनि देव का आह्वान किया, ओम सम शनिश्चराय नमो नमः। अपने त्रिशूल का प्रहार उस बालक की ओर किया। शनि देव की कुदृष्टि त्रिशूल पर पड़ी और बच्चे के धड़ से शीश अलग हो गया, बच्चे के मुख से कड़ाहट निकली, मां मां मां। काट के शीश भोले तू अंदर गए, काट के शीश भोले तू अंदर गए। क्रोध से लाल गौरा के नैना भई, ओ क्रोध से लाल गौरा के नैना भई। किसने मेरे लाल को मारा है? मेरे सामने क्यों नहीं आता? इस मृत्यु लोक को प्रलय में बदल दूंगी। सभी देवता आए, त्राही मांग त्राही मांग। जिंदगी जे अभी, जिंदगी जे अभी तुम हमारे ना करो। अब कह दो सच्चे दरबार की, चलो हाथ उठाइए। आदि शक्ति ने कहा कि अगर मेरा पुत्र तत्काल जिंदा नहीं हुआ तो मैं विनाश ही विनाश कर डालूंगी। कह दो सच्चे दरबार की जय। चंडी का रूप धारण कर लिया, सब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगे और यूं कहने लगे, इंतजार 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 करो, इंतजार करो रे बाबा। और उसी वक्त माता के क्रोध को देखकर सभी देवता देवताओं में हाहाकार मच गया। और तभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ इस सृष्टि के ऊपर जिस माता ने, जरा ध्यान से सुने सभी माता बहन, जिस माता ने, जिस बहन ने इस घड़ी इस पल अपने बच्चे को जन्मा हो, और जो भी माता अपने बच्चे को जन्म देकर पीठ फेर कर सो रही हो और अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही हो, उस बालक के शीश को काट करके ले आ। संसार में कोई माता ऐसी नहीं मिली। एक बियावान जंगल में एक हथनी ने अपने बच्चे को पैदा किया। बच्चे को पैदा करते ही दर्द से व्याकुल थी जरा सी करवट क्या ली। सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु ये तो जानवर का शीश है, तत्काल ले आओ। हाथी के बच्चे के शीश को काट करके शंकर भगवान को सौंप दिया। इस संसार में सभी देवताओं में शंकर भगवान के ही पास ऐसी विद्या है, संजीवनी विद्या है, जो कटे हुए अंग को जोड़ सकती। कहे तो सच्चे दरबार की। शंकर भगवान ने त्रिदेव से कहा कि इस बच्चे के धड़ से शीश को जोड़ना है तो मेरी सहायता करो। अपनी शक्ति के बल से
उस हाथी के बच्चे के शीश के आकार को छोटा किया और बालक के धड़ के आकार को बड़ा किया, वो बालक जीवित हो गया। बालक जीवित होने के साथ में कहने लगा, माता गरबा कहने लगी, ये मेरा बालक नहीं हो सकता है, मेरा बालक तो बड़ा सुंदर था, इसके तो इतने बड़े कान, इतना बड़ा सूंड, इतने बड़े दांत हैं, ना ये इंसान है ना पशु है, सब देवियां मेरे लाल पर हंसेंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, माता संसार में तेरी जैसी माता का ऐसा और कोई अनोखा लाल नहीं होगा, इसलिए मैं इसका नामकरण करता हूं, माता स्वीकार करो। सब देवताओं में सबसे पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, तभी पूजा सफल मानी जाएगी। तथास्तु। दिया वरदान होगा पुत्र दूजा कोई, गणपति बिन न पूरी होगी पूजा कोई, वो गणपति बिन न पूरी होगी पूजा कोई। शर्म कहे तुम समय, शर्म कहे तुम समय बेकार ना करो। अब उठाइए जिनको एक हाथ दिया, एक दोनों दिए, दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल ऊंचे। गणेश की कथा का सुमरण किया है, बोलो गणेश भगवान की। ऐसे नहीं, आपके मुंह में आवाज नहीं है क्या? जोर से जयकारा लगाइए, बोलो गणेश भगवान की जय। हो देवा गणपति देवा, तुझसे बढ़कर कौन, तुझसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा ताली के साथ, तुझसे बढ़कर कौन, तुझसे बढ़कर कौन। आज तुम्हारे भक्त जनों में, आज तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, तुझसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा, तुझसे बढ़कर कौन, तुझसे बढ़कर कौन। अब कहिए गणेश भगवान की जय।